महाभारत प्राचीन भारत के दो मुख्य ग्रंथों में से एक है और एक ऐतिहासिक गाथा है जिसमें युद्ध, राजनीति, नैतिक और धर्म के तत्व शामिल हैं। ये विश्व का सबसे लंबा ऐतिहासिक ग्रंथ है। आइए जानते हैं महाभारत के 10 बाहुबलियों के बारे में। दुर्योधन। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़े भाई थे और एक बहुत बड़े योद्धा भी थे, जिनको गदा चलाने की कला में महारत हासिल थी। असल में उस जमाने में गदा चलाने में वो सर्वश्रेष्ठ लोगों में से थे। दुर्योधन के पास गजब की शारीरिक शक्ति थी और छोटी मोटी चोटों का उन पर कोई असर नहीं होता था। कहते हैं कि दुर्योधन में 1000 आदमियों की शक्ति थी। दुर्योधन ने अपनी युद्ध कला उनके गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से सीखी थी, जिसके बाद उन्होंने बलराम से गदा चलाने की कला सीखी। वो पूरे भारत वंश के सबसे क्रूर और बेरहम शासक थे। महाभारत जैसा विशाल युद्ध शुरू करने के पीछे दुर्योधन सबसे बड़ा कारण थे। भीम। भीम पांचों पांडव भाइयों में दूसरे सबसे बड़े भाई थे, जो कि कुंती और वायुदेव के पुत्र थे। अपने पिता की ही तरह वो भी बहुत शक्तिशाली थे। उनको इंद्र और वायुदेव के बराबर शक्तिशाली माना जाता था। भीम अपने भाइयों में से सबसे बलवान और सबसे तेज थे, और तो और अगर शारीरिक बल की बात की जाए तो वो महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। कहते हैं कि भीम में 1000 हाथियों की शक्ति थी। उन्होंने बलराम से गदा चलाने की कला और तलवारबाजी सीखी, और वो एक बहुत बड़े पहलवान भी थे। उनकी शक्ति का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक बार बचपन में वो एक पहाड़ की चोटी पर अपनी माँ की गोदी से गिर गए। भीम ना सिर्फ जिंदा बच गए, बल्कि जिस चट्टान पे वो गिरे वो चट्टान चकनाचूर हो गई। अभिमन्यु। अभिमन्यु महान योद्धा अर्जुन के पुत्र थे। उन्होंने अपना बचपन द्वारका में सुभद्रा और कृष्ण भगवान के साथ बिताया। उनको कृष्ण जी के बेटे प्रद्युमन और उनके पिता अर्जुन ने युद्ध कला की शिक्षा दी। अभिमन्यु में सीखने की कमाल की क्षमता थी। उनकी शिक्षा उनकी माँ सुभद्रा की कोख में ही शुरू हो गई थी। अपनी माँ की कोख में ही उन्होंने अपने पिता अर्जुन को सुभद्रा को अलग अलग युद्ध नीतियों के बारे में बताते हुए सुन लिया था, और तो और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य भी सुन लिया था। लेकिन सुभद्रा के बीच में सो जाने की वजह से अर्जुन अपनी पूरी बात नहीं बता पाए और अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के बारे में नहीं सुन पाए। पांडव सेना में अभिमन्यु उन 3 लोगों में से थे जिनको चक्रव्यूह के खिलाफ लड़ना आता था। अभिमन्यु को उनकी हिम्मत और लड़ने की कला अपने पिता अर्जुन और दादा इंद्र से विरासत में मिली थी। कहते हैं कि अभिमन्यु अर्जुन के बराबर शक्तिशाली थे, और वो सिर्फ 16 साल के थे जब वो महाभारत का हिस्सा बने। घटोत्कच। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। अब क्योंकि घटोत्कच आधे राक्षस और आधे इंसान थे, उनके पास कई शक्तियाँ थी। वो राक्षसी हिडिंबा के बेटे थे, इसीलिए वो उड़ सकते थे और राक्षसों की सारी शक्तियाँ उनके पास थी। और क्योंकि वो एक क्षत्रिय के भी पुत्र थे, तो उनमें भीम का ज्ञान और शारीरिक शक्तियाँ थी। घटोत्कच कई दैवीय शक्तियों के मालिक थे, जैसे कि वो अपना आकार मन चाहा बदल सकते थे, जिसकी वजह से बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने आने से घबराते थे। उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कौरवों की लगभग पूरी सेना को एक रात में ही हरा दिया था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के बेटे हैं। वो कौरवों में सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हैं और भगवान शिव के अवतार भी हैं। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सालों तक तपस्या की, ताकि उनको शिवजी जैसा वीर पुत्र मिले। अश्वत्थामा के जन्म के वक्त उनके सर पर एक मणि थी, जो अश्वत्थामा को इंसानों से नीचे किसी भी प्राणी पर काबू करने देती थी। ये मणि अश्वत्थामा को किसी भी प्रकार की भूख, प्यास या थकान से बचाती थी। अश्वत्थामा एक चिरंजीवी है। वो एक बहुत बड़े योद्धा हैं जिनको अस्त्र शस्त्र की कला में महारत हासिल थी।
उनके पास दैवीय हथियार थे जैसे नारायण अस्त्र, अग्नि अस्त्र और तो और शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र भी। भीष्म ने यह कहा था कि अश्वत्थामा को जब गुस्सा आता है तब युद्ध में उनसे लड़ना नामुमकिन है क्योंकि वो शिवजी जैसा रौद्र रूप ले लेते हैं। द्रोण अश्वत्थामा के पिता थे और वो कौरवों और पांडवों के शाही गुरु भी थे। वो युद्ध कला के गुरु थे। उन्होंने अर्जुन और कर्ण को तीरंदाजी यानी तीर धनुष चलाना सिखाया था। दुर्योधन और भीम को भी गदा चलाना उन्होंने ही सिखाया था। भीष्म और कर्ण की तरह ही द्रोण भी भगवान परशुराम के शिष्य थे। द्रोण अपने वादे की वजह से कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में लड़े। वो बहुत ज्ञानी थे और महाभारत में सबसे बड़े रणनीति बनाने वालों में से एक थे। अर्जुन इंद्रदेव के बेटे थे। वो पांडव भाइयों में तीसरे पांडव और सबसे महान तीरंदाज थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को शिक्षा दी लेकिन बाद में युद्ध कला में वो अपने गुरु से भी आगे निकल गए। अर्जुन महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से थे और तो और उनको हर तरह के दैवीय शस्त्रों का ज्ञान था। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र, पशुपात अस्त्र, प्रजापति अस्त्र और ऐसे कई अस्त्र थे लेकिन अर्जुन ने एक बार भी इनको महाभारत में इस्तेमाल नहीं किया। अर्जुन ने पशुपात अस्त्र पाने के लिए कड़ी तपस्या की, वो भी अपने पैरों के अंगूठे पर खड़े होकर। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में कौरव सेना के कई योद्धाओं को मारा जिसमें महान योद्धा भीष्म और कर्ण भी शामिल थे। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। वो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। दुर्योधन से अपनी दोस्ती की वजह से उन्होंने महाभारत में उनके साथ कौरवों की तरफ से लड़ाई की। उन्होंने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम से ली थी। कर्ण एक कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे जो कि उनके पिता ने उनको तोहफे में दिया था। ये कवच और कुंडल कर्ण को किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से बचा सकते थे। कर्ण ने भीष्म को वचन दिया था कि जब तक भीष्म युद्ध के मैदान में हैं वो नहीं लड़ेंगे क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ युद्ध के मैदान में आ गए तो पांडव सेना का अंत हो जाएगा। वो कुरुक्षेत्र में भीष्म के पराजय होने के बाद ही आए। अर्जुन की तरह ही कर्ण को भी धनुष बाण की कला में महारत हासिल थी। सामान्य परिस्थिति में कर्ण को हराना नामुमकिन था लेकिन कर्ण को हराने के लिए दो शक्तिशाली श्राप और बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। भीष्म शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। वो कौरवों और पांडवों के दादा थे। उन्होंने भी अपनी शिक्षा भगवान परशुराम से ली थी। भीष्म को अपनी माँ गंगा से वरदान मिला था कि वो जब तक चाहे जी सकते हैं, यानी कि भीष्म तब तक नहीं मर सकते जब तक वो खुद ना मरना चाहें। भीष्म इतने बड़े योद्धा थे कि एक बार भगवान परशुराम के पिता ने उनसे कहा कि कभी भी भीष्म के सामने युद्ध मत करना, उनको हराया नहीं जा सकता। महाभारत के युद्ध में भीष्म के वार इतने शक्तिशाली थे कि कृष्ण जी को युद्ध में हथियार ना उठाने का अपना वादा तक तोड़ना पड़ा। कृष्णा, भगवान कृष्ण विष्णु जी के आठवें अवतार थे। वो पूरी महाभारत के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में नहीं लड़ने का वचन दिया था। अगर वो युद्ध में लड़ने आते तो पलक झपकते ही युद्ध खत्म हो जाता। कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी थे और उनका सिर्फ साथ होना ही पांडवों के जीतने के लिए काफी था। कोई भी कृष्ण जी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो हर चीज के ज्ञानी थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।